कोविड-19 की दूसरी लहर के चलते हिमाचल प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया था, जिस कारण बस सेवा पूरी तरह से बंद रही। आपको बता दें कि हिमाचल सरकार ने कुछ दिन पहले ही हिमाचल में बसें चलाने का फैसला लिया था, जिससे लोगों का आवागमन सुविधा उपलब्ध हो सके। लेकिन अब हिमाचल पथ परिवहन निगम ने अंतर राज्य में भी बसें चलाने का फैसला लिया है, जो 1 जुलाई से शुरू हो रही है। हमीरपुर HRTC के DDM विवेक लखनपाल ने बताया कि 1 जुलाई से दिल्ली, चंडीगढ़, हरिद्वार और पंजाब के लिए बस सेवा शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि निगम प्रबंधन ने इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली हैं। बसों को सैनिटाइज कर पंजाब, दिल्ली और हरिद्वार भेजा जाएगा। 50% क्षमता के साथ 1 जुलाई से बसें रूटों पर दौड़ेंगी। HRTC हमीरपुर डिपो ने इन बसों के आवागमन का समय सारणी भी जारी कर दी है। सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार 1 तारीख से जो इंटरस्टेट बसेस हिमाचल पथ परिवहन चलाने जा रहा है, उसी के मद्देनजर हमीरपुर डिपो जो है 13 इंटरस्टेट रूट जो है 1 तारीख से चलाएगा। इसमें से 6 रूट जो है वो चंडीगढ़ के लिए चलेंगे, 3 दिल्ली के लिए, और जो दिल्ली के लिए 3 चलेंगे उसमें एक जो सेमी डीलक्स बस जो है 7:30 बजे हमीरपुर से चलेगी, और बाकी 2 बसें 5:20 पर वाया घंटा और 6:30 बजे वाया भोटा, ये दोनों ऑर्डनरी बसें रहेंगी। इसके अलावा एक बस लुधियाना के लिए, एक अमृतसर के लिए और एक होशियारपुर के लिए चलेगी, और साथ ही साथ 5:10 पर जो है हरिद्वार के लिए भी बस चलाई जा रही है, जिसकी लोगों ने बहुत ज़्यादा डिमांड की थी। वर्तमान में जो हम लोकल ऑपरेशन ही चला रहे हैं, तो हमने कोशिश की है कि उन्हीं रूटों पे बसें चलाई जाए जहाँ पर जो है ज़्यादा घाटा ना हो या जहाँ पर हमारे जो है कीमत जो है वो वापस आ जाती है। इसी के मद्देनजर रखते हुए हमने सारे रूट नहीं चलाए, और धीरे धीरे जैसे जैसे सवारियाँ बढ़ती जाएंगी, लोगों की डिमांड आती जाएगी, वैसे वैसे हम अपने रूट से इंक्रीज करेंगे। सर कितने रूट चल रहे हैं अभी तक लोकल में? लोकल में हम इसमें जो 41 रूट चला रहे हैं, जबकि हमारे टोटल इंटरस्टेट और लोकल मिला के 186 रूट है, तो 41 के साथ 13 रूट और चल पड़ेंगे 1 तारीख से, तो टोटल 54 रूट जो है 1 तारीख से चल पड़ेंगे, और बाद में यदि जरूरत पड़ी तो इंटरस्टेट रूट भी और बढ़ाए जाएंगे। वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि अंतर्राज्यीय बस सुविधा शुरू होने से HRTC का भी आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों में आने और जाने के लिए काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। चंडीगढ़ दिल्ली जाने के लिए अपने निजी वाहनों या फिर टैक्सी का सहारा लेना पड़ रहा था, जिस कारण उन्हें काफी परेशानी होने के साथ साथ आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ रहा था। लेकिन अब HRTC ने बाहरी राज्यों के लिए बस सुविधा शुरू कर दी है, जिसका वे स्वागत करते हैं। सरकार ने जो बस सेवा शुरू की है उससे आम जनमानस को बहुत ही लाभदायक रहेगा, और लोगों को आने जाने में जो दिक्कत हो रही थी वो दिक्कत अब नहीं होगी। और जो हरिद्वार जाने के लिए अस्थियां विसर्जित करने के लिए लोगों को जा रहा था, उनके लिए उनको टैक्सी करनी पड़ी थी जो बहुत महंगी पड़ रही थी। सरकार ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है उन लोगों के लिए भी, और सभी जनमानस जितने भी लोग हैं उनको जाने आने जाने की सुविधा में बहुत विशेष सहयोग मिलेगा। ये तो सरकार का बहुत अच्छा कदम है कि उन्होंने इंटरस्टेट बसें स्टार्ट कर दी, जिससे लोगों को अब हरिद्वार जाने में अपने पितरों का या किसी ने हरिद्वार वैसे ही गंगा स्नान करने जाना है तो उनके लिए ये एक बहुत अच्छा मतलब साधन हो गया। और दिल्ली के लिए जो बसें चला दी वो लोगों के लिए भी फैसिलिटी होगी, जैसे कोई बिजनेस पर्पज़ से जा रहा है या किसी अपने पर्सनल काम से भी जा रहा है तो उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी। हमीरपुर से मेरे जैसे भी मैंने भी एक बार दिल्ली जाना था तो 15,000 रुपये में आया गया वहाँ से, तो कम से कम अब सरकार ने अगर ये सोचा है तो ये बहुत अच्छा कदम है सरकार का। और मैं लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि वे अपने प्रॉपर तरीके से सैनिटाइजेशन लेकर के और अपना मास्क प्रॉपर लगा करके दूरी बना करके 2 गज की दूरी बना करके बस में बैठें और ठीक तरीके से अपना सफर। अच्छी बात है सरकार ने ये कदम उठाया है, क्योंकि पहले क्या था, जो मजदूर लोग थे उनको बाहर जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, जो जॉब करने वाले हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, निजी बस जैसे प्राइवेट टैक्सी से जाना पड़ता था, 10-15 हज़ार रुपये उनको देने पड़ते थे। आज जो है वो बस चल पड़ी है सरकारी बस से, उनके लिए ऐसा है HRTC में जो भी जाएँ पैसेंजर जाएँ वो सोशल डिस्टेंस ठीक है अपना प्रॉपर तरीके से अपना मास्क लगा के सैनिटाइज़र लेके दूसरे एक दूसरे से डिस्टेंस रख के अपना सही तरीके से सफ़र करें।